हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धान घोटाले के अस्तित्व को ही नकार दिया है। कैथल में पत्रकारों से बात करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा मिलिंग के लिए दिए गए धान की जांच शक के आधार पर की जा रही है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पराली को जलाने की समस्या के संबंध में पूछे जाने पर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले कम पराली जलाई गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगले सीजन तक पराली की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आइए कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात सुन लेते हैं। धान घोटाला कहाँ है, आप एक चीज बताओ। घोटाला हमारे मिलर को हम धान देते हैं, चावल लेते हैं, हमारे हाँ उसको चेक करते हैं तो घोटाला हो गया। हम सबके बिना बोलते हैं ना, धान घोटाला हुआ है। नहीं, कोई बात बताओ कि घोटाला हुआ होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अभी तो हम चेक कर रहे हैं भाई, जो धान हमने दिया है वो आपके पास है, हमें जांच करने का अधिकार है। अच्छा काम करते हैं, उल्टा हुआ है सरकार के ऊपर घोटाला भाई। हम चेकिंग कर रहे हैं और कहीं कोई कमी पेशी निकलेगी तो सीजन में ना था। वो ऐसा है कि वो एक अलग मॉइस्चर का मुद्दा है, किसान से तो वो एक मॉइस्चर का अलग मुद्दा है, लेकिन धान पे कोई घोटाला सामने आएगा तो आप किसान का शिफ्ट लग सकता है। अभी तो स्टॉक चेकिंग हो रही है, जो हमने आपको धान दिया तो बड़ी को समस्या पराली का भी समाधान तो यही है। अब बासमती की पराली क्यों नहीं जाता, कोई दूसरी की जाता है। बासमती की इसलिए जाता है, बासमती का कीमत मिलती है, इसकी भी कीमत मिल जाएगी तो नहीं चलाएगा। हम ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि इसकी पराली की भी पूरा जो लाभकारी मूल्य किसान को मिले, और इसका लाभकारी मूल्य कब मिलेगा जब इसका कोई उपभोक्ता तैयार हो, कोई गांठ बनाने वाला, कोई ब्रिकेट बनाने वाला, या इसको पैक करके गिलास ले जाए। वहां आजकल संजीवन के काम में पैकिंग में भी होता है, या फिर आजकल एथेनॉल प्लांट जो हमारा चालू हो जाएगा, दो दिनों की पराली के लिए कदम कर रहे हो। हरियाणा में पराली कम जली है पंजाब से, आगे और घट जाएगी। अगले साल देखेंगे क्या ये पराली का हरियाणा मिशन है। आप जो तो मेरे संज्ञान में चीज लाएंगे, हर चीज बिल्कुल ये है कि ईमानदारी से पारदर्शिता से हमारा विभाग मेरे विभाग की जिम्मेदारी देता हूँ कि आप कहीं भी मेरा नंबर रखो, कोई शिकायत आपके नोट्स में आती है तो मैं आपको काम कर जो कार्रवाई होगी वो आपको जानकारी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धान घोटाले के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।